हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएस एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिक स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सो इसी टाइप की डेविल फोटो एडिटिंग आज हम अपने पिक्सा टाइप की मदद से यहाँ पे करने वाले हैं। अगर गाइस आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग को सीखना चाहते हो तो वीडियो को आपको कंप्लीटली यहाँ पर लास्ट तक देखना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर यहाँ पे कर देना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना है, और जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस इस एडिटिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड एंड पीएनजीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वजह कि आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हाय एवरीवन, आपको यहां पर अपने पिक्सार ऐप को ओपन कर लेना है। सो आप पिक्सार ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सो इसके बाद में आपको गाइस ये बैकग्राउंड आपको यहां पे ऐड करना है। सो बैकग्राउंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या आपको स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही है। सो गाइस इस वेबसाइट पर जाके भी आप इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हो। सो बैकग्राउंड ऐड होने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्रॉप पे आना है। क्रॉप पे आने के बाद में गाइस ऑलमोस्ट आपको बैकग्राउंड को यहाँ पे कुछ इतना यहाँ पे आपको क्रॉप करना है, और इसको कर देना है यहाँ से राइट टिक। राइट टिक हो जाने के बाद में गाइस आपका बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। सो इसके बाद में अब आपको यहाँ पे ऐड फोटो सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको कुछ पीएनजीज एंड अपनी पिक को यहाँ पे आपको ऐड करना है। सो एक तो ये ब्लैक विंग्स पीएनजीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे गाइस, और एक हम यहाँ पे अपनी पिक को ऐड करेंगे। सो मॉडल की पिक भी हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। सो गाइस पिक का बैकग्राउंड हमने यहाँ पे रिमूव करके रख रखा था, ताकि एडिटिंग करने में हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। सो अगर आप भी बैकग्राउंड रिमूव करना सीखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा गाइस। उस वीडियो को देख के आप काफ़ी इजी स्टेप्स में बैकग्राउंड रिमूव करना सीख जाओगे। ये दोनों पीएनजीज हमारे यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सबसे पहले हम विंग्स पीएनजीज को यहाँ पे लेंगे, देन इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इसके बाद में अपने मॉडल की पिक लेंगे, देन मॉडल की पिक को थोड़ा साइज बड़ा करके कुछ इस टाइप से गाइस यहाँ पे इसको बैकग्राउंड पे सेट करेंगे। देन विंग्स पीएनजीज को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से, कि किस टाइप से कितनी अच्छी हमारी परफेक्टली सेट हो रही है। सो इतना करने के बाद में गाइस अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको कर देना है यहाँ से राइट क्लिक। सो राइट क्लिक होने के बाद में गाइस पिक हमारी कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड पे परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है। अब गाइस हम क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट पेजेस हम यहाँ पे लेंगे। सो हमने यहाँ पे स्टिकर्स में हमने पेजेस को यहाँ पे रख रखा है। सो रिसेंट में हम ये आपको एक टेक्स्ट पेजेस मिल जाएगी कुछ डेविल टाइप की, तो सिंपली इस पेजेस को हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो गाइस ये पीएनजीज हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब सबसे पहले हम गाइस क्या करेंगे, इस पीएनजीज को हम यहाँ पे ऊपर की तरफ रखेंगे, और इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना यहाँ पे सेट कर देंगे, यानी विंग्स हमारे जो आ रखे थे डेविल वाला कुछ, उसको हम यहाँ पे हाइड करेंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे। रखने के बाद में गाइस इसको प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे सेट कर देंगे, और इसको कर देंगे हम यहाँ से राइट क्लिक। सो गाइस पिक पे हमारे टेक्स्ट भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट हो चुके हैं। तो इतना होने के बाद में हम लास्ट वन यहाँ पे टूल्स ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करेंगे। सो गाइज हम यहाँ पे लाइटिंग वगैरह एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो थोड़ा सा गाइज हम क्या करेंगे, हल्की सी पिक का ब्राइटनेस बढ़ाएंगे ऑलमोस्ट 4 के आसपास। कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा गाइज डिक्रीज कर देंगे, और इसके बाद सेचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज करेंगे। सेचुरेशन हाईलाइट को हम थोड़ा सा यहाँ पे कम रखेंगे, और शेडो यहाँ पे हल्की सी थोड़ी सी बढ़ा के हम यहाँ पे थोड़ी सी शेडो डिक्रीज कर देंगे, और इसको कर देते हैं गाइज यहाँ से राइट क्लिक। सो गाइज आप पिक देख सकते हो, आप बिल्कुल परफेक्टली आपकी पिक यहाँ पे चेंज हो चुकी है ऑलमोस्ट, काफ़ी अच्छे आपके डेविल लुक फोटो एडिटिंग यहाँ पे हो चुकी है। सो गाइज आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ड्रो टूल्स के अंदर आना है, और पिक को आपको यहाँ पे ड्रो में ओपन करके 3 डॉट पर क्लिक करके पिक को सेव कर लेना है। सो गाइज आपको ये फोटो एडिटिंग अच्छी लगी होगी तो वीडियो का एक लाइक जरूर कर देना, और गाइज इसी टाइप के एडिटिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।